चिराग जी, अभी आप मिलकर निकले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, क्या बातें हुई, क्या एनडीए इंटैक्ट है? पूरी तरीके से इंटैक्ट है मुख्यमंत्री जी, एनडीए का एक अभिन्न अंग है और जिस तरीके से साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, अब साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं और 5 साल तक मजबूती से सरकार चलेगी। जैसे ही रिजल्ट आना शुरू हुआ और उसके बाद बीजेपी की संख्या कम थी, एनडीए की संख्या कम थी, उस समय साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार से संपर्क करेंगे, उसके अलावा चंद्रबाबू नायडू से संपर्क करेंगे। महत्वाकांक्षाएं जरूर हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को ये लोग सिद्ध करने के लिए जनादेश की भी तिलांजलि ये लोग लगाने से ये लोग गुरेज नहीं रखते हैं। ऐसे में एनडीए का हर एक घटक दल, हर एक दल समर्पित है जनादेश के प्रति, एनडीए गठबंधन के प्रति। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे चिराग पासवान? मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये हम लोग के लिए उत्साह की बात है। आपका स्ट्राइक रेट जो है वो 100% रहा, इसके लिए किसको श्रेय देते हैं? इसके लिए मैं अपने पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को और बिहार की जनता को। चिराग जी, अभी आप मिलकर निकले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, क्या बातें हुई, क्या एनडीए इंटैक्ट है? पूरी तरीके से इंटैक्ट है मुख्यमंत्री जी, एनडीए का एक अभिन्न अंग है और जिस तरीके से साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, अब साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं और 5 साल तक मजबूती से सरकार चलेगी। जैसे ही रिजल्ट आना शुरू हुआ और उसके बाद बीजेपी की संख्या कम थी, एनडीए की संख्या कम थी, उस समय साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार से संपर्क करेंगे, उसके अलावा चंद्रबाबू नायडू से संपर्क करेंगे। महत्वाकांक्षाएं जरूर हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को ये लोग सिद्ध करने के लिए जनादेश की भी तिलांजलि ये लोग लगाने से ये लोग गुरेज नहीं रखते हैं। ऐसे में एनडीए का हर एक घटक दल, हर एक दल समर्पित है जनादेश के प्रति, एनडीए गठबंधन के प्रति। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे चिराग पासवान? मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये हम लोग के लिए उत्साह की बात है। आपका स्ट्राइक रेट जो है वो 100% रहा, इसके लिए किसको श्रेय देते हैं? इसके लिए मैं अपने पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को और बिहार की जनता को। चिराग जी, अभी आप मिलकर निकले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, क्या बातें हुई, क्या एनडीए इंटैक्ट है? पूरी तरीके से इंटैक्ट है मुख्यमंत्री जी, एनडीए का एक अभिन्न अंग है और जिस तरीके से साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, अब साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं और 5 साल तक मजबूती से सरकार चलेगी। जैसे ही रिजल्ट आना शुरू हुआ और उसके बाद बीजेपी की संख्या कम थी, एनडीए की संख्या कम थी, उस समय साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार से संपर्क करेंगे, उसके अलावा चंद्रबाबू नायडू से संपर्क करेंगे। महत्वाकांक्षाएं जरूर हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को ये लोग सिद्ध करने के लिए जनादेश की भी तिलांजलि ये लोग लगाने से ये लोग गुरेज नहीं रखते हैं। ऐसे में एनडीए का हर एक घटक दल, हर एक दल समर्पित है जनादेश के प्रति, एनडीए गठबंधन के प्रति। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे चिराग पासवान? मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये हम लोग के लिए उत्साह की बात है। आपका स्ट्राइक रेट जो है वो 100% रहा, इसके लिए किसको श्रेय देते हैं? इसके लिए मैं अपने पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को और बिहार की जनता को।